हेलो दोस्तों, मैं चंदन सिंह एसएफजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग कंपोनेंडो बाय डिविडेंडो पढ़ेंगे, यानी सीएनडी रूल। मैं इस चीज़ को आपको बताता हूं कि सीएनडी रूल में आपको किन किन बातों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो पहले तो मैं टॉपिक का नाम लिखता हूँ, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यानी इसका हिंदी में बोल सकता हूँ, इसका हिंदी में बोल सकता हूँ, इसका हिंदी जो होता है योगा अंतर होता है। और ये नाम से ही आपको स्पष्ट पता चलता होगा, ये नाम से ही आपको स्पष्ट पता चलता होगा कि हमको योग कर देना है और फिर उसी का क्या कर देना है, अंतर कर देना है। जैसे मैं इस चीज़ को आपको समझाने को, जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल में एक लेता हूँ, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है। ए बाई बी इक्वल टू मेरे पास कितना है, सी बाई डी है। यदि मैं कंपोनेंडो लगाता हूँ तो कंपोनेंडो का मतलब ही होता है योगा, यानी हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, एक जोड़ दिया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वन प्लस ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी प्लस वन। मैं अगर एक को जोड़ता हूँ तो मैंने क्या किया, इसको बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ एक जोड़ दिया। और इस पार्ट को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए बाई बी और बटे में a बाई बी और बटा में कितना मेरे पास होगा b। मैं इस चीज़ को अगर सॉल्व करता हूँ तो c प्लस डी बाई बटा में कितना होगा मेरे पास, d होगा। मैं इसी पार्ट का अगर मैं डिविडेंडो निकालता हूँ, मैंने इसी पार्ट का बोलने का मतलब a बाई बी इक्वल टू मेरे पास है c बाई डी। अगर मैं इस पार्ट का डिविडेंडो निकालता हूँ तो डिविडेंडो का मतलब ही होता है अंतर। और यहाँ भी मैंने माइनस वन कर दिया और यहाँ भी मैंने क्या कर दिया, माइनस वन कर दिया। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो लिख सकता हूँ ए माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। मैं इसको इतना लिख सकता हूँ, मैंने इक्वेशन कितना मान लिया, वन मान लिया, और इसको मैंने इक्वेशन कितना मान लिया, टू मान लिया। अगर मैं इक्वेशन वन को दो से अगर भाग लगाता हूँ, इक्वेशन वन को अगर दो से भाग लगाता हूं तो मैं यहां लिख सकता हूं इक्वेशन वन जो मेरे पास कितना है, यहां पे जो इक्वेशन वन जो मेरे पास है इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी और बटे में बी इक्वल टू मेरे पास है सी प्लस डी और बटे में कितना है डी। मैंने इक्वेशन वन को भाग किया है किससे, तो इक्वेशन टू से। इसको मैंने इक्वेशन वन माना और इसको मैंने इक्वेशन टू माना। अब इसको हमको भाग करना है किससे, तो इक्वेशन टू से। और मेरे पास इक्वेशन टू जो आया है ए माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। अब मैं इस चीज़ को अगर ध्यान से देखता हूँ तो बी से बी मेरा कैंसिल आउट होगा, डी से डी मेरा कैंसिल आउट होगा। और मैं यहाँ बड़ी आसानी से ये बात बता सकता हूँ कि मेरे पास अगर एक साथ कंपोनेंडो में डिविडेंडो अगर लगाता हूँ तो जो मेरे पास रिजल्ट बच के आएगा ए प्लस बी और बटा में ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी और बटा में मेरे पास कितना है सी माइनस डी। तो आपने इसी बात को ध्यान रखना है, आपको इसी बात का ध्यान रखना है। अगर मैं किसी का भी अगर कंपोनेंडो बाय डिविडेंडो निकालता हूँ तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि किसी भी पार्ट का आप कंपोनेंडो बाय डिविडेंडो अगर निकालते हैं तो इसमें ये रूल क्या होगा मेरा फॉलो होगा। जैसे मैं इस रिजल्ट को मैं कुछ सवाल के ऊपर दिखा रहा हूँ आपको कि इस बात को हम लोग आसानी से किस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो मैं इसको मिटाता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा कि ये रिजल्ट मैंने लाया किस तरीके से, कुछ नहीं है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी मैंने माना है, एक बार प्लस वन कर दिया है तो कुछ इक्वेशन बन गया, इसको मैंने इक्वेशन वन मान लिया। और यहाँ इसी पार्ट को मैं अगर डिविडेंडो कर रहा हूँ, यानी डिविडेंडो का मतलब ये होता है अंतर, मैंने एक दोनों तरफ माइनस कर दिया तो यहाँ दूसरा भी इक्वेशन बन गया। और कंपोनेंडो बाय डिविडेंडो को मैंने एक साथ लाने के लिए इक्वेशन वन को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, इक्वेशन टू से। तो जो अपने पास रिजल्ट आ गया मेरे पास ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। तो मैं इस चीज़ को इस तरीका से आपको ध्यान में रखने के लिए एक तरीका बताता हूँ जो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। मैं इसको मिटाता हूँ और इस चीज़ को हम लोग आसानी से समझने के लिए मैं इसका आपको दो की पॉइंट बताऊँगा। मैं दो की पॉइंट क्या करता हूँ इसको मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो दो की पॉइंट होगा,
ये जो मैं आपको दो पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ये दोनों की पॉइंट ऐसा होगा कि आपको पेपर में उसी तरीका का होगा, उसी तरीका का कुछ कंडीशन दिया गया होगा और उसको हम लोग क्या करेंगे, इसी की पॉइंट से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने एक बात बताया आपको कि मेरा अगर मैं कहीं पर भी इस तरीका से लिखता हूँ a by b, मैं इसको इस तरीका से लिखता हूँ a by b, और मैं आपको बोलता हूँ कि ये आप CND, CND रूल लगाइए और बताइए कि इसको हम CND में किस तरीका से लिख सकते हैं। तो मेरे पास तरीका यही है कि इसमें फ्रैक्शन पार्ट है और फ्रैक्शन पार्ट न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश बटा क्या होता है, हर होता है। तो आपने CND रूल जब लगाना है तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि हम अंश में ही हर को क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे। जोड़ने का मतलब है, अगर मैं इसको जोड़ के लिखता तो मैं इसको लिखता a+b, और इस बटा के लिए फिर बटा आएगा। फिर मेरे को दूसरा जो तरीका आपको लगाना है, इसी अंश में से ही क्या घटेगा, हर घटेगा। इसी अंश में से ही क्या घटेगा, मेरे पास हर घटेगा। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अंश ए था और हर मेरे पास कितना है, बी है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि a/b, अगर बी कहीं भी टर्म में आपको मिला हो या मिल जाए, मिला हो या फिर क्या हो जाए, मेरे पास मिल जाए, तो मैं दोनों तरफ इसको क्या करूँगा, कंपोनेंडो बाय डिविडेंडो लगाऊंगा। तो इसका कंपोनेंडो बाय डिविडेंडो क्या होगा, a+b बटे में a-b। अगर मैं फिर इस पार्ट को, ये तो मैंने इस पार्ट का कंपोनेंडो डिविडेंडो निकाला, अगर मैं इसी पार्ट का फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूँ, जो मेरे पास कंपोनेंडो डिविडेंडो आया कितना, a+b बटा में a-b। अगर मैं इस पार्ट का फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाता हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो आपने फिर यहाँ ध्यान देना है, मैं इस चीज़ को सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, बाकी मैं ये डायरेक्ट बात इसको देख के मैं डायरेक्ट रिजल्ट बताता कि इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो कितना आएगा। तो फिर इसी का इनिशियल वैल्यू a/b क्या आएगा, बी आएगा, यानी यही आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख, कंपोनेंडो का मतलब है कि अंश में ही हर जोड़ेंगे, तो मैंने जोड़ दिया a-b, और अंश से ही मैं क्या करूँगा, हर को माइनस करूँगा, यानी a+b - a+ कितना हो जाएगा, मेरे पास बी होगा। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, यानी जो अपना ऊपर में बस क्या रहा है, ये 2a / में कितना होगा, तो 2b होगा। ये 2 से 2 भी मेरे पास कैंसिल हो गया, तो मेरे पास रिजल्ट जो बच गया कितना बच गया, a/b। यानी मैं इस बात को इस तरीका से आपको बता रहा था कि अगर a/b का आप कंपोनेंडो कीजिएगा तो फिर यह का इतना आएगा a+b / a-b। अगर इस पार्ट का फिर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो करते हैं तो फिर मेरा यही इनिशियल वैल्यू आ जाएगा कितना, a/b। यानी मैं अगर ये सवाल में आपको गिवन है तो हम इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं तो हम डायरेक्ट बोलेंगे a/b क्या होगा, बी होगा। उसी तरीका से मैं दो की पॉइंट आपको बताता हूँ, कोई अगर इस तरीका से आपको अगर सवाल में मिलता है तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, डायरेक्ट हम उसका यूज करेंगे। यानी ये बात मैं आपको समझाया हूँ तो ये बात आपको समझ में आया होगा, इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे तो मेरे पास ये रिजल्ट फिक्स है, इसका मैं अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो करता हूँ तो ये रिजल्ट मेरे पास क्या है, फिक्स है। तो मैं एक तरीका से बोल सकता हूँ इसी तरह का साइक्लिक में ये क्या होते रहेगा, आपको घूमते रहेगा। मैं यहाँ से यहाँ आऊँगा और यहाँ से फिर कहाँ आऊँगा, यहाँ आऊँगा, फिर यहाँ से मैं यहाँ आऊँगा और फिर यहाँ से मैं कहाँ आऊँगा, यहाँ आऊँगा। इस बात में आपको, यही बात मैं आपको दो की पॉइंट के थ्रू ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर ये दो तीन पॉइंट अगर हम लोग जान जाते हैं तो मेरे लिए सवाल क्या होगा, आसान होगा। जिसमें से मेरा पहला पॉइंट है इस तरीका से, अगर सवाल में आपको गिवन हो a/b इक्वल टू मेरे पास कितना हो, a+b / कितना हो, a-b। अगर इस तरीका का कंडीशन हमको सवाल में अगर मिलता है, अगर यहाँ से हमको CND रूल लगाना होगा तो हम CND रूल हम दोनों तरफ लगाएंगे। जब भी CND रूल लगेगा क्या होगा, आपको दोनों तरफ लगाना है। तो मैं यहाँ बात आसानी से बोल सकता हूँ, क्या इसका मैंने कंपोनेंडो डिविडेंडो जब निकाला था तो क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a+b / a-b।
इक्वल टू इसका मैं फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो करता, यानी मैंने कंपोनेंटो डिविडेंडो दोनों तरफ लगाया, तो जिधर नहीं लगा है, जिधर नहीं लगा है उधर हम लगा देंगे, और इधर लगा होगा इधर से मैं हटाऊंगा तो इधर कंपोनेंटो डिविडेंडो मेरे पास कितना आएगा, कितना आएगा। तो मैं इस बात को, इस तरीका को आपको ये बात बताना चाह रहा था कि अगर आपको कोई भी सवाल में इस तरीका का कंडीशन बनता होगा तो जब भी हम सीएनडी रूल लगाएंगे, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे, तो जिधर लगा होगा उधर से हम हटा देंगे, और जिधर नहीं लगा होगा उधर क्या करते हैं, हम लगा देंगे। इसमें से जो मेरे पास दूसरा पॉइंट जो बनता है इस तरीका का, अगर कहीं पर भी आपको दिया है a बाई बी इक्वल टू कितना, तो c बाई डी। अब यहाँ से अगर हम सी एन डी रूल लगाते हैं तो हम जानते हैं अगर दोनों तरफ नहीं लगा है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लगा देंगे। यानी मैं इसको इस तरीका से लिख सकता हूँ, a बाई ए प्लस बी बटा में a माइनस बी इक्वल टू, इधर भी लगाऊंगा तो मैं सी प्लस डी बटा में सी माइनस डी, तो ये मेरे पास दूसरा पॉइंट होगा। मैं तीसरा भी बात इसी तरीका से बता सकता हूँ, जो आपने ये पॉइंट को क्या करना है, ध्यान देना है, जो तीसरा मेरे पास पॉइंट आ रहा है, जो ये वाला और ये वाला दोनों मेरे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। जैसे इस तरीका से मिल जाए a प्लस बी बटा में a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बटा में सी माइनस डी, तो मैं यहां से बोल सकता हूं क्या इस बार मेरे पास दोनों तरफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा हुआ है, तो मैं अगर दूसरी बार सी एन डी रूल अगर लगाता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों तरफ लगा तो इस बार मैं दोनों तरफ को क्या करूंगा, कैंसिल कर दूंगा। यानी जिधर लगा होगा उधर लगाएंगे, जिधर नहीं लगा होगा उधर, जिधर लगा होगा उधर से हम हटा देंगे, जिधर नहीं लगा है उधर क्या करेंगे, लगाएंगे। तो मैं देख रहा हूँ इस वाले कंडीशन में दोनों तरफ लगा हुआ है, तो मैं इसको हटा दूंगा, तो मैं लिख दूंगा a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d। तो आपने यही तीन पॉइंट क्या करना है, ध्यान रखना है, ताकि आपके लिए चीज़ें क्या हो जाए, ताकि आपके लिए चीज़ें क्या हो जाए, आसान हो जाए। मैं इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं आपसे यहाँ पर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे ही आपको मैं यहाँ से सवाल शुरू कर रहा हूँ। आप इस तीन पॉइंट का जरूर ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीका का कंडीशन हमको सवाल में मिलता है तो जिधर नहीं लगा होगा उधर लगाएंगे, और जिधर लग गया होगा उधर से हम हटा देंगे। जिधर दोनों तरफ नहीं लगा तो मैंने दोनों तरफ लगा दिया, इधर दोनों तरफ लगा था तो मैंने दोनों तरफ कंपोनेंडो में डिविडेंडो अगर लगाता हूँ तो दोनों तरफ लगा था तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। मैं इसी बात पे आपसे एक सवाल जानना चाह रहा था, इसी बात पे मैं आपसे ये सवाल, ये आपको थोड़ा सा बेसिक पॉइंट है जो आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। और यहाँ से जो सवाल बनता है जो अलजेब्रा में, वो काफ़ी मुश्किल नहीं होता है, ये जीरो लेवल के सवाल होते हैं। मैं जब आपको ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा, त्रिकोणमिति कराऊंगा, तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को यूज त्रिकोणमिति में किस तरीके से किया जाता है, और अच्छे लेवल जिसको मैं बोल सकता हूँ कैट मैट में, इस तरीके के सवाल आपको जो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से मिलते हैं, वो बढ़िया बढ़िया सवाल, या फिर उसको मैं लेवल वाले सवाल बोल सकता हूँ, हम लोग कहाँ देखते हैं उसको जाके, कैट लेवल में, मैट में, जैट में, स्नैप में, इस तरीका का एसएससी भी कहीं कहीं क्या किया है, त्रिकोणमिति में भी इसका यूज कराया है। लेकिन जो एसएससी यूज कराया है ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं उसको जीरो लेवल बोल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो सवाल करूँगा आपने उसको कंपोनेंडो बाय डिविडेंडो रूल से ही करना है, ताकि चीज़ों को मैं समझूं और वहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा क्या हो, क्लियर हो। लेकिन बाकी अगर आपके पास और भी कोई तरीका है, जैसे मैं देखता हूँ कि जो कंपोनेंडो बाय डिविडेंडो है उसको आसान बनाने के लिए आप वैल्यू पुटिंग भी करते हैं, तो मैं वैल्यू पुटिंग से भी आंसर लाऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए आपको एक वैल्यू पुटिंग का एक दो क्लास दूंगा, जहाँ पर ये बात मैं आपको बताऊँगा कि वैल्यू पुटिंग हम किस सवाल में करेंगे। ये नहीं है कि कोई सवाल में हुआ हम वैल्यू पुटिंग कर दिए, जो सवाल मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा ऐसा एग्जामिनर सवाल बनाता है जो आप वैल्यू पुटिंग से नहीं कर सकते हैं, तो हमको तरीका पता चल जाएगा उस चीज़ का, हम वैल्यू पुटिंग के यूज किस किस सवाल में करेंगे, क्या कंडीशन होगा जहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। तो ये बाकी जो होगा मैं इसका क्लास ही आपको नाम से ही क्लियर बता दे रहा हूँ कि वैल्यू पुटिंग के ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, और वहाँ में
आपको कंडीशन बताऊंगा, बाकी जो मैं यहां अगर सवाल ले रहा हूं तो केवल आपको कंपोनेंडो बाय डिविडेंडो रूल सीखना है, तो आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से क्या कीजिएगा, लागू कीजिएगा। वहां पर भी कि अगर कोई शॉर्टकट तरीका है तो यही मेरे पास तीन पॉइंट है, जिधर नहीं लगा होगा उधर हम लगा देंगे, जिधर लगा होगा उधर से क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसी को मैं बोलता हूँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। और कंपोनेंडो डिविडेंडो में रिजल्ट लाया कहाँ से, ये मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके अभी तक ये बात बताया। मैं एक इसके ऊपर सवाल लेता हूँ, बहुत ही खूबसूरत सवाल है और एसएससी इस क्वेश्चन को कई बार पूछा है। कितना बार पूछा है, कई बार पूछा है। मैं एक छोटा सा सवाल लेता हूँ, इफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स अपॉन में है मेरे पास थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 189/61, तो आपने यहाँ से बताना है कि मेरे पास x का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा। अब मेरे पास यही बात आता है कि अगर मैं नीचे वाले पार्ट को छोड़ देता हूँ, केवल ऊपर देखता हूँ, तब भी मैं यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऊपर वाले को छोड़ के मैं नीचे देख रहा हूँ तो यहाँ भी मेरे पास जो सवाल बन रहा है, यहाँ पर भी जो कंडीशन बना, यहाँ से भी मैं कुछ नहीं बता पा रहा हूँ। अब मेरे पास यही बात होगा क्या, अगर मैं सबको एक साथ लेके आ जाता हूँ, एक्स स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी ये एक्स का क्यूब है, ये कितना है मेरे पास एक्स का क्यूब है, तो यहाँ से अगर मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाता हूँ दोनों तरफ, सी एंड डी रूल अगर मैं लगा देता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इस टर्म को मैं इस तरीका से लिख सकता हूँ, एक्स का क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन और बटे में अंश में से, यानी एक्स क्यूब प्लस का थ्री एक्स और अंश में से ही हर को मैं माइनस करूंगा, यानी माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस का कितना वन, तो इधर नहीं लगा था तो मैंने लगा दिया, तो इधर भी नहीं लगा है तो लगा दूंगा, 189+61 अपॉन में 189-61। अब मैं इस चीज़ को ध्यान से अगर देखता हूँ तो ये कुछ नहीं है, ऊपर वाला पार्ट को, इस ऊपर वाला पार्ट को मैं बोल सकता हूँ ये एक्स प्लस वन का क्या है मेरे पास होल क्यूब है, यानी इस बात को मैं इस तरीका से लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को एक्स प्लस वन का क्या होगा मेरे पास क्यूब होगा और बटा में ये माइनस का होल क्यूब हो जाएगा, यानी एक्स माइनस वन का होल क्यूब इक्वल टू, मैं इसको जोड़ता हूँ तो 250 में कितना हो जाएगा 128, मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ अगर दो से तो 125/64। अब आप ध्यान से देखते होइएगा कि किसी भी पावर को हम कैंसिल तब करते हैं जब दोनों तरफ पावर क्या हो मेरे पास इक्वल हो जाए, तो मैं इस पार्ट को इस तरीका से लिख सकता हूँ, ये 5 का क्यूब होगा और ये नीचे मेरे पास कितना है 4 का क्यूब है, यानी मैं ये पावर से पावर को क्या कर सकता हूँ कैंसिल कर सकता हूँ, तो मेरे पास जो टर्म बच के आ गया मेरे पास x प्लस वन और बटे में एक्स माइनस वन इक्वल टू 5/4। अब आपने यहाँ फिर ध्यान देना है, अब यही मैं इससे पहले जो पॉइंट लिखाया था इसी के बारे में बात कर रहा था। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखते होइएगा, एक तरफ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा है, दूसरा तरफ नहीं लगा है, तो मैं जैसे एंड सीएनडी रूल लगाता हूँ, मैं इसको सीएनडी रूल अगर लगाता हूँ तो मैंने यही बात बताया था, तो जिधर लगा होगा उधर हम छोड़ देंगे और जिधर नहीं लगा हो उधर क्या करेंगे लगा देंगे, तो इधर नहीं लगा है, इधर लगा है तो मैं इसको हटा दूंगा, तो एक्स वाई कितना होगा 1 और इधर नहीं लगा था तो 5+4y 5-4 इक्वल टू, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ या फिर मैं इस चीज़ को यहाँ लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल टू 9/1 और यहाँ भी 1 था तो 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ बोल सकता हूँ एक्स इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया वैल्यू 9 आ गया। तो यही बेसिक बात जो मेरे पास है। अब इस सवाल को आप अगर इस सवाल को अगर सोचते हैं कि हम वैल्यू पुटिंग से कर दें तो ये वैल्यू पुटिंग से नहीं होगा। वैल्यू पुटिंग करने के लिए आपको कुछ कंडीशन क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। यहाँ पर इक्वेशन भी मेरे पास वह एक है और वेरिएबल भी मेरे पास क्या है एक है, तो यहाँ मैं वैल्यू अपना मर्जी से पुट
नहीं कर सकता हूं, तब इसको आपको सॉल्व करने के लिए आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या होना चाहिए, आना चाहिए। मैं एक बार और यहां से रिपीट कर रहा हूं, सवाल मैंने ये दिया हुआ था और हमसे पूछा गया था कि x का मान कितना होगा, x किसके इक्वल होगा, तो मैंने यहां ध्यान से देखा इधर दोनों तरफ में कहीं कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगा था, तो मैंने दोनों तरफ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया और यहां से कुछ कैलकुलेशन पार्ट किया जो मैं इससे पहले आपको समझा दिया, और यहां से जो मेरे पास फिर टर्म बच के आ रहा है x प्लस वन बाई x माइनस वन इक्वल टू फाइव बाई फोर, और यहां से मैं ध्यान से देख रहा हूं इससे पिछले वाले जो मैंने की पॉइंट के बारे में बात किया था, यहां पे आप ध्यान से देखिए यहां पे पॉइंट नंबर वन मेरा यूज हो रहा है, यहां पे मैं बोल सकता हूं एक तरफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा है, दूसरा तरफ क्या हुआ है नहीं लगा है। तो अब चीजों को अब क्या करना है, आसान बनाना है, तो अब क्या कीजिए जिधर लगा है उधर से हटा देंगे और जिधर नहीं लगा होगा उधर क्या करेंगे हम लोग लगा देंगे। तो अपना आंसर इस तरीका से करने से x का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 9 के इक्वल आ गया। अब जैसे इस 9 का वैल्यू इसमें आप रखते हैं तो ये सेटिस्फाई करेगा, कंडीशन क्या होगा मेरे पास सेटिस्फाई करेगा, और यहां से आप सॉल्व कीजिएगा तो LHS बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास RHS। तो ये बहुत छोटा सवाल था जो SSC कई बार आपसे क्या किया है पूछा है, मैं और थोड़े से अच्छे सवाल की तरफ चल रहा हूं। आप इस चीज को क्या कीजिएगा नोट डाउन कीजिएगा और समझने का बिल्कुल क्या कीजिएगा कोशिश कीजिएगा। अब यहां से जो मेरे पास दूसरा सवाल आता है, इस बार मैंने थोड़ा सा सवाल को चेंज किया है, इफ रूट अंडर एक्स प्लस फोर प्लस रूट अंडर एक्स माइनस फोर डिवाइड भी मेरे पास है रूट अंडर एक्स प्लस फोर माइनस रूट अंडर एक्स माइनस फोर इक्वल टू ये टू के इक्वल है, तो आपने फिर यहाँ फाइंड करना है कि x का वैल्यू किसके इक्वल होगा। अब आप इस चीज़ों को समझते हैं तो ये चीज़ देख के आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल है, यानी अंश में ही हर को जोड़ा गया है और नीचे अंश में से ही हर को क्या किया गया है घटाया गया है। फिर ये कंडीशन नंबर मेरे पास क्या हो रहा है, पॉइंट जो मैंने लिखा है तो उसमें पॉइंट नंबर क्या था मेरे पास वन था, एक तरफ लगा है दूसरा तरफ नहीं लगा है, तो जिधर लगा होगा उधर मैं हटाऊंगा, जिधर नहीं लगा होगा उधर क्या कर दूंगा लगा दूंगा। तो इसके नीचे हम मेरे पास क्या है वन रहता है, इधर लगा है तो मैं इधर हटाता हूं तो क्या लिखूंगा रूट अंडर एक्स प्लस फोर बाई में रूट अंडर एक्स माइनस फोर इक्वल टू इधर मैं लगाता हूं तो टू प्लस वन अपॉन में टू माइनस वन, और इस चीज़ को मैं लिख सकता हूं थ्री बाई वन मैं लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखिए मेरा ये वैल्यू किस में पूछा गया है एक्स में, तो आप यहां पे अब कंपोनेंडो डिविडेंडो डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, एक्स में चार जोड़ा गया और एक्स में चार को क्या किया गया है हटाया गया है। यहां पे सबसे ज़्यादा बच्चों को क्या होती है दिक्कत होती है, यहीं पर वो क्या करते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं। तो ध्यान से देखना है कि पावर जब तक मेरे पास वन नहीं आया, अब ये पावर वन ये रूट के अंदर में है, यानी कहने का मतलब है कि इसको जितना चीज़ दिया गया होगा सबको कैंसिल आउट मैं करूंगा, उसके बाद से मैं क्या करूंगा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा। तो मेरे पास यही बात है कि रूट में है तो यहां मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगा सकता, तो पहले तो मैं इसको रूट को हटाऊंगा, और रूट को हटाने का मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं दोनों तरफ क्या करूंगा स्क्वायर कर दूंगा। तो यहां मैं लिखता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो यहां मैं लिखूंगा रूट अंडर एक्स प्लस फोर बटे में रूट अंडर एक्स माइनस फोर, मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूं, और इधर मेरे पास आया है थ्री बाई वन का फिर मैंने क्या कर दिया होल स्क्वायर किया। इस चीज़ को मैं यहां से लिखता हूं, इस चीज़ को मैं यहां से फिर वापस लिखता हूं। अब यहां से ध्यान से देखते होइएगा स्क्वायर से रूट मेरा क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो मेरे पास टर्म बच के आ गया एक्स प्लस फोर बटे में एक्स माइनस फोर इक्वल टू मेरे पास आ गया, जब मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो नौ बटा क्या होगा मेरे पास एक होगा। अब यहां फिर मेरे पास पॉइंट नंबर वन वाला यानी पॉइंट वन का जो मैंने रूल लिखाया था तीन रूल, पहला रूल यूज हो रहा है एक तरफ लगाया गया है और दूसरा तरफ नहीं लगाया गया है, तो मैं एक तरफ क्या कर दूंगा जिधर लगा होगा उधर से हटा दूंगा और जिधर नहीं लगा होगा उधर क्या कर दूंगा लगा दूंगा। तो इधर मैं अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के इसको हटाता हूं तो मेरे पास इनिशियल वैल्यू कितना है एक्स बाई फोर है, इधर मैं लगाता हूं तो नौ प्लस एक बटा में नौ माइनस एक, या मैं इस चीज़ को इस तरीका के सॉल्व करके लिख सकता हूं मेरे पास एक्स प्लस फोर किसके इक्वल आएगा तो दस बटा
8 के इक्वल आएगा, इसको मैं यहां से कैंसिल कर दिया, इसको मैं फिर कैंसिल करता हूं, तो जो मेरे पास x इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। यहां भी मेरे पास बात आता है कि आप इस वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं, तो यहां भी मैं वैल्यू पुटिंग नहीं लगा सकता, इक्वेशन भी मेरे पास एक है, वेरिएबल भी कितना है, एक है। मैं आपको इसलिए पुटिंग द वैल्यू नहीं करा रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू हम कहीं कहीं क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन वो कुछ कंडीशन क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए। तो अगर इस चीज को अगर आसानी से आप जानना चाह रहे थे कि मैं पुटिंग द वैल्यू कहां कहां लगाऊंगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा क्या करना होगा, इंतजार करना होगा। मैं वो भी टॉपिक कराऊंगा कि ये वैल्यू पुटिंग से मेरा आंसर किस तरीका से जल्दी जल्दी आता है। अब यहाँ मेरे पास जो फिर मैं अगला सवाल यहाँ जो मैं ले रहा हूँ, उस चीज़ को आप क्या कीजिए, ध्यान से समझिए और वहाँ ये बात बताइएगा कि पुटिंग द वैल्यू लग सकता है कि नहीं लग सकता है। लगेगा तो क्या कंडीशन देखेंगे हम सवाल में और फट से क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू लगाएंगे। अब जो मेरे पास सवाल है इस बार है जो रूट अंडर एक्स प्लस टू अपॉन में, यहाँ पे प्लस है रूट अंडर x माइनस टू और अपॉन में फिर यही बात है x प्लस टू और माइनस रूट अंडर x माइनस टू, ये किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो आपने यहाँ फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू कितना। तो पहले तो आपको इसको बेसिक से सॉल्व करना है, फिर मैं वहाँ बात बताने आपको जाऊँ बताऊँगा आपको इस पार्ट में मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ। तो पहले तो मैं इस चीज़ को बेसिक से आपको सॉल्व कराने सिखा रहा हूँ कि मैं इस पार्ट को अगर देखता तो क्या मेरे पास आता। फिर आप ध्यान से देखते हुइएगा, यहाँ में कुछ जोड़ा गया है और इसी अंश में से हर को क्या किया गया है, घटाया गया है। तो मैं इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूँ तो जिधर लगा होगा उधर से हटा दूंगा, जिधर नहीं लगा होगा उधर क्या कर दूंगा, लगा दूंगा। तो मैं इधर से अगर हटाता हूँ सी एन डी रूल लगा के, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस क्या होगा मेरे पास टू और बटा में रूट अंडर एक्स माइनस क्या होगा टू इक्वल टू, इधर मैं लगाता हूँ तो ए प्लस वन बाई ए माइनस क्या होगा वन होगा। फिर मैं इस चीज़ को अगर देखता हूँ, फिर यहाँ से मैं डायरेक्ट कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगा सकता, तो पहले मैं क्या लगाऊंगा, स्क्वायर करूंगा। तो मैंने फिर दोनों तरफ स्क्वायर करके रूट को क्या कर दिया, हटा दिया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस टू बटे में एक्स माइनस टू इक्वल टू, ये अपने पास बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस वन प्लस टू ए और बटा में ए स्क्वायर, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बटा में ए स्क्वायर प्लस वन माइनस का कितना 2a। अब यहाँ बात आप ध्यान से देखते होइएगा, यहाँ बात अगर आप ध्यान से देखते होइएगा तो इस बार मेरे पास दोनों तरफ क्या हुआ है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा हुआ है। यानी यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिएगा, अगर ए स्क्वायर प्लस वन में क्या जोड़ा गया है, 2a जोड़ा गया है, तो क्या नीचे में ए स्क्वायर प्लस वन में से ही तो 2a माइनस हुआ है, यानी जोड़ा भी गया और क्या किया गया है, घटाया गया है। तो इस बार जो मेरे पास होगा, जो मैंने कंडीशन तीन कराए थे उसमें से ये तीसरा कंडीशन क्या हो रहा है, इस बार फॉलो हो रहा है। यानी दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, लगा हुआ है तो मैं दोनों तरफ कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या करूंगा, हटा दूंगा। तो यहाँ मैं इस चीज़ को हटा के लिख सकता हूँ इस वैल्यू का इनिशियल वैल्यू क्या रहा होगा, तो एक्स बाई क्या रहा होगा, टू रहा होगा, और इसका कितना रहा होगा, तो ए स्क्वायर प्लस वन बाई क्या रहा होगा मेरे पास, 2a रहा होगा। और इस चीज़ को मैं इस तरीका के सॉल्व करूँगा, क्या मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से आप ध्यान से देखते रहिएगा तो ये इससे कट जा रहा है, 2 से 2 क्या हो रहा है, कट जा रहा है। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एक्स ए इक्वल टू मेरे पास हो गया ए स्क्वायर प्लस वन। अब जो आपसे पूछा गया है, ये जो आपसे पूछा गया ए स्क्वायर से क्या होना चाहिए, ए माइनस एक्स होना चाहिए। तो मैं इस चीज को क्या करूंगा, इसको एक्स माइनस एक्स ए को मैं इधर शिफ्ट कराऊंगा और एक को मैं कहां शिफ्ट कराऊंगा, इधर शिफ्ट कराऊंगा। तो मैं इसको बहुत आसानी से बोल सकता हूं, जो मेरे पास टर्म बच के आ रहा है ए स्क्वायर में से, एक मैं इसको इधर भेजता हूं तो माइनस का एक्स से होगा, इक्वल टू मैं इसको उधर भेज दूंगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और यही सवाल में हमसे क्या किया गया था,
पूछा गया था तो मैं इसको बहुत आसानी से बोल सकता हूँ। जो मेरे पास आंसर आ गया कितना आ गया, माइनस वन आ गया। तो इसको आप एक बार दो बार तीन बार जब तक समझ में नहीं आता है तब तक क्या कीजिए, बार बार इस चीज़ को आप समझिए और समझने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। मैं बेसिक बात पे जोर बहुत देता हूँ ताकि नए नए सवाल जो होते हैं, अगर कोई ट्रिक पता नहीं है तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट का ज़रूर इस्तेमाल करें। और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर बात समझ में आता है तो उसी से मैं क्या करूँगा और फास्ट आंसर करूँगा। अब मेरे पास बात यही है कि क्या मेरे पास यहाँ पुटिंग द वैल्यू काम कर जाएगा, क्या यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू काम कर जाएगा। तो आप चीज़ को यहाँ से बात को समझिए, इस बार इक्वेशन मेरे पास कितना है। तो आप बोलिएगा इक्वेशन सर तो एक ही है, इक्वेशन तो मेरे पास कितना है, एक ही है, लेकिन यहाँ पे इस बार मेरे पास जो वेरिएबल दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, दो दिख रहा है, एक एक्स के टर्म में और दूसरा ए के टर्म में। यानी मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन एक है लेकिन वेरिएबल कितना है, दो है। तो यहाँ हमको छूट है कि एक वेरिएबल को हम अपना मर्जी से क्या कर लें, कुछ भी मान रहे हैं, इससे आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी ध्यान देना है कि हम ए को कुछ माने कि एक्स को कुछ माने। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मैं ए को एक मान लेता हूँ, दो मान लेता हूँ, तो ये पूरा इक्वेशन जो ये टर्म एक्स के टर्म में लिखा गया है, यही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एक दो के, जो कि क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा। तो आप वैल्यू किस में मानिए, एक्स का मानिए, ताकि हम यहाँ से ए का मान निकाल लें। एक्स मानता हूँ मैं, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ए का वैल्यू निकल जाएगा, एक्स का भी मान निकल गया, ए का भी मान निकल गया, और यहीं से मैं यहाँ क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ भाई, इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीका से आपको जब वैल्यू पुटिंग सिखाऊंगा वहाँ मैं इसको बहुत विस्तृत रूप से मैं क्या करूँगा बताऊँगा, ताकि अगर पेपर में आपको वैल्यू पुटिंग वाले सवाल अगर आते हैं तो आप आसानी से क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो मैं इसको बेहतरीन तरीका से बताने के लिए मैं आपको फिर आगे इसका बार बार क्या करूँगा, यूज करूँगा। तो आप तब तक बात केवल यही ध्यान रखिए, अब मेरे पास जो बात आता है हम क्या रखें, एक का एक्स का वैल्यू हम क्या क्या पुट करें। तो यहाँ आप कोशिश कीजिए कि कंडीशन ऐसा हम वहाँ फुलफिल करें जहाँ से रिजल्ट मेरे लिए क्या हो जाए, काफ़ी क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो मैं यहाँ से अब ध्यान से देखता हूँ, अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दूंगा, यहाँ भी 2 पुट कर दूंगा, यहाँ भी 2, अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ तो ये वैल्यू मेरा टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी मैं अगर x का वैल्यू अगर 2 पुट करता हूँ, अगर x का वैल्यू मैं 2 पुट करता हूँ तो यहाँ आप ध्यान से देखते होइएगा, 2 में से 2 घट जाएगा 0, 0 रूट से बाहर आएगा तब भी 0। तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, x का वैल्यू 2 तो रूट के अंदर 4 होगा, तो बाहर निकाल के हम आसानी से बोल सकते हैं कि बाहर भी कितना होगा, 2 होगा। तो मैं यहाँ x का वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ रूट अंडर मेरे पास 4 होगा, प्लस में 0, बटा में फिर रूट अंडर 4, माइनस में कितना 0, ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। और यहाँ से मैं बात बता सकता हूँ a इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 1 आ गया, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। अब इसी वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, a का वैल्यू कितना है मेरे पास, 1 है, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, माइनस 1 का वैल्यू कितना है x, और b का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 2 है और a का वैल्यू 1 है, यहाँ मैं पुट करता हूँ तो माइनस का 2। तो आप अगर देखते हुए जगह ध्यान से, 1 में से माइनस 2 घटता है, माइनस का 1 होगा। तो मैं तरीका आपको बताते चल रहा हूँ, लेकिन आपको अभी ध्यान नहीं देना है कि मैं पुटिंग द वैल्यू से ही सब सवाल करूँगा, ये गलत तरीका है, आप नहीं लगा सकते हैं। एग्जामिनर इस बात को जानता है कि आप पुटिंग द वैल्यू हर सवाल में लगाते हैं, तो वो ऐसा सवाल देगा जहाँ पे आप क्या हो जाइएगा, फंस जाइएगा, जहाँ इससे पहले वाले जो मैंने सवाल से शुरुआत किया था वहाँ आप किस तरीके से पुटिंग द वैल्यू, वहाँ इक्वेशन एक, वेरिएबल भी एक, तो हम अपना मर्जी से वहाँ कुछ मान नहीं सकते हैं। आप अपना मर्जी से मान तब सकते हैं जब वेरिएबल मेरे पास एक हो जाए, इक्वेशन दो हो जाए तब मान लीजिए, या फिर वेरिएबल मेरे पास दो है, इक्वेशन कितना है, एक है, तब मान लेंगे, वेरिएबल दो है, इक्वेशन 3 है, तब मान लीजिए। यानी कहने का मतलब, अगर वेरिएबल के बराबर में अगर इक्वेशन है तो हम अपना मर्जी से कुछ नहीं मान सकते। अब यहाँ मैं आपसे यही बात पूछ रहा हूँ, a प्लस बी इक्वल टू 5 है, a माइनस बी इक्वल टू मेरे पास 3 है, आपने यहाँ से बताना है a बराबर कितना होगा और b बराबर कितना होगा। अब यहाँ से आप वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं क्या,
इक्वेशन भी दो, वेरिएबल भी मेरे पास दो, तो यहां वैल्यू पुटिंग काम नहीं करेगा। यहां आपको बेसिक टर्म लगा के ही क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। अगर मैं इस तरीका से लिखता a प्लस बी इक्वल टू मेरे पास 5 है, तो यहां तो हम वैल्यू पुटिंग नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मैं ये अगर दे देता हूं, तो यहां आप ध्यान से देखते हो जाएगा कि वैल्यू पुटिंग यहां मैं लगा सकता हूं। यहां इक्वेशन मेरे पास कितना है, 1 है, वेरिएबल कितना है मेरे पास, 2 है। तो यहाँ हमको छूट है कि अपना मर्जी से एक वैल्यू को मैं कुछ भी मानता हूँ, दूसरा रिजल्ट अपने आप निकल जाएगा। इस बार मैं एक को इस तरीका से मैं बॉक्स बना के आपको चीज़ों को समझाता हूँ। अगर मैं इस बार एक को ए मानता हूँ, एक मानता हूँ, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मैंने एक वैल्यू को रखा, दूसरा ऑटोमेटिक निकल गया। मैं यहाँ इस बार बी को एक मानता हूँ, तो यहाँ इस बार कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इस बार मैं माइनस एक मानता हूँ, बी को मैंने माइनस एक माना है, तो ए का वैल्यू क्या रखूँगा, 6 रखूँगा। इसको मैं माइनस टू मानता हूँ, तो इस वैल्यू को मैं क्या रखूँगा, 7 रखूँगा। तो इस तरीका का ही वैल्यू पुटिंग में यूज किया था, तो इसको मैं बहुत बढ़िया से आपको समझाऊंगा जब वैल्यू पुटिंग कराऊंगा। और वैल्यू पुटिंग हम लोग के लिए लबरा में सबसे मस्ट होगा, क्योंकि एग्जामिनर इस तरीका से सवाल आपसे पूछता है कि वहां पे आपको थोड़ा सा दिक्कत आती है। अगर वैल्यू पुटिंग आप लगाते हैं तो अगर कुछ कुछ सवाल होते हैं कि कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको वैल्यू पुटिंग ही करना है। मैं आपको इस चीज़ के आगे इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, समझाऊंगा। बाकी मैं और आगे इस सवाल की ओर बढ़ता हूं, और यहां मैं आपसे एक और अभी इस क्लास का मैं लास्ट सवाल आपसे ले रहा हूं। तो यहां पे जो मेरे पास सवाल आया इस बार आ गया x इक्वल टू 2ab अपॉन में बी स्क्वायर प्लस 1। तो आपने इस बार फाइंड करना है रूट अंडर a प्लस एक्स प्लस रूट अंडर, ये रूट के अंदर नहीं है, a माइनस एक्स अपॉन में है मेरे पास कितना, रूट अंडर a प्लस एक्स और माइनस में रूट अंडर a माइनस एक्स। इसका वैल्यू आपको बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। तो यहाँ चीज़ों को आप ध्यान से अगर बात समझते होइएगा, तो ये बेसिक तरीका से मैं अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो निकल करता हूं, तो उम्मीद है कि 2-4 लाइन में मैं क्या करूंगा, सवाल का आंसर ला दूंगा। लेकिन यहां भी आप ध्यान से देखिएगा, वैल्यू पुटिंग अगर करते हैं, यहां पर भी आप वैल्यू पुटिंग क्या करते हैं, तो इस सवाल में थोड़ा सा हमको गड़बड़ लग रहा है। अब इस सवाल में मैं एक और कंडीशन आपको दे रहा था, ए का मान बी का मान एक से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन आपको एक और सवाल में गिवन है, x इक्वल टू टू ए बी बाई बी स्क्वायर प्लस वन। एक और कंडीशन गिवन है, बी ग्रेटर देन कितना, 1, यानी बी का मान एक से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तब ये वैल्यू आपसे पूछा गया, रूट अंडर ए प्लस एक्स प्लस ए रूट अंडर ए माइनस एक्स अपॉन में रूट अंडर ए प्लस एक्स माइनस रूट के अंदर में ए माइनस एक्स। अब यहाँ से मेरे पास यही बात आता है कि एक्स के साथ हमको क्या चाहिए, ए चाहिए। तो मैं ए को इधर शिफ्ट कराता हूँ, तो इधर गुणा में था, इधर आगे क्या बनेगा, डिवाइड होगा। तो एक्स बाई ए इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2b बाई में कितना, बी स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब मैं यहाँ से अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूँ, अगर मैं इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूँ, तो जो मेरे पास कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आएगा, एक्स प्लस ए आएगा, बटे में एक्स माइनस ए होगा। और यहाँ ध्यान से देखते हुइएगा कि जो पूछा गया टर्म है उसमें हमसे क्या किया गया है, ए में ही एक्स को जोड़ा गया और ए से ही क्या किया गया है, एक्स को घटाया गया है। यानी ए में हमको एक्स को अगर जोड़ना होगा, तो मैं ए को कहाँ रखूँगा, ऊपर। तो मैंने इसको उल्टा कर दिया, तो ए बाई मेरे पास क्या आ गया, एक्स आ गया। तो मैं इसको भी उल्टा करूँगा, बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा मेरे पास। तब यहाँ से मैं दोनों तरफ क्या लगाता हूँ, सी एन डी रूल लगाता हूँ। और यहाँ मेरे पास वही पॉइंट नंबर 1 का बात हुआ है, पॉइंट नंबर 1 ने इस बार पॉइंट नंबर क्या हुआ मेरे पास, 2 का बात हुआ। दोनों तरफ नहीं लगा है, तो मैं दोनों तरफ लगाऊंगा। तो इस चीज़ को मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या इसको मैं लगाता तो लिखता a प्लस एक्स बटे में यहाँ पे आ जाता a माइनस एक्स इक्वल टू मैं यहाँ बोलता बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b बटे में बी स्क्वायर प्लस 1 से ही मैं 2b को क्या कीजिए करूँगा, माइनस करूँगा। और मैं इसको बहुत आसानी से बोल सकता हूँ, a प्लस एक्स बटे में a माइनस एक्स
इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूँ b प्लस वन का होल स्क्वायर और बटा मैं यहाँ लिख सकता हूँ b माइनस वन का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखते होइएगा कि ये स्क्वायर आ रहा, तो मैं यहाँ पे अब यहाँ से भी कुछ बात आपको पता चलता होगा, a प्लस किसके अंदर होना चाहिए, रूट के अंदर, और ये a प्लस एक्स रूट के अंदर तब आएगा जब मैं दोनों तरफ रूट लगा के इस स्क्वायर को क्या करूँगा, कैंसिल आउट करूँगा। तो मैं दोनों तरफ क्या कर दिया, रूट लगा दिया, और इस रूट से स्क्वायर क्या होगा मेरा, कैंसिल आउट होगा। तो क्या मैं इसको इस तरीका से लिख सकता हूँ, इसका मैं फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करता हूँ, तो क्या मेरे पास कंपोनेंडो डिविडेंडो रूट अंडर ए प्लस एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स और बटा में रूट अंडर ए प्लस एक्स माइनस रूट अंडर ए माइनस एक्स इक्वल टू, मैं इधर भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाता हूँ तो मेरे पास बी अपॉन क्या होगा, वन होगा। अभी सब बात को ध्यान से देखिए, यही बात हमसे पूछा गया था, यही बात पूछा गया था, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। मैं लिख सकता हूँ इसको कितना, बी। तो आप इस चीज़ को क्या, ये बहुत बढ़िया सवाल है, आप इस चीज़ को क्या कीजिए, एक बार दो बार तीन बार चार बार में समझ में नहीं आता, आप चीज़ों को क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको उस तरीका से कराता हूँ ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। अगर कुछ लैंग्वेज भी अगर लिख के आपको अगर करना होगा कि मैं इस चीज़ को अगर लिख लेता हूँ ताकि जब मैं प्रैक्टिस करूँगा तो इस लैंग्वेज को पढ़ के मैं बात समझ लूँगा, तो आप उस लैंग्वेज को भी कहीं कहीं क्या कीजिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा ताकि आप प्रैक्टिस कीजिए। तो जो चीज़ों मैं बोल के आपको बता रहा हूँ वहाँ तो कोई बोलने वाला नहीं होगा, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर से दोबारा जब पढ़ने के लिए बैठे तो इस चीज़ का आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं समझ में आता है तो उस लैंग्वेज को मैं भी क्या करूँगा, पढ़ के समझ के आंसर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो टॉपिक को स्टार्ट किया है वो आपको आज बहुत अच्छे से क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, इसी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पे ही और बढ़िया बढ़िया सवाल हम लोग करेंगे जो पेपर में एकदम आते ही आते हैं। ये जितना मैं सवाल आपको कराता हूँ कहीं ना कहीं एसएससी के प्री और मेंस में आए हुए हैं, या फिर एलईसी में आते हैं, सीपीओ में आते हैं, कहीं ना कहीं आते हैं। अगर मैं कंप्लीट एसएससी को अगर टारगेट रखता हूं तो मेरे लिए बिल्कुल मैथ क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। कैट के लेवल के लिए सवाल मैं इसमें आपको करा ही रहा हूं, वो भी कुछ नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो मेरे पास होता है मैं उसी से उसको भी क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। फिर मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड गुड लक। Bye-bye.